दोस्तों, ये दूसरे टाइप का सवाल है। ये समय और कार्य का। इसमें आपको मैन दिया रहेगा, यानी आदमी, कुल आदमी दिए रहेंगे। दिन दिया रहेगा, कितने घंटे वो कार्य करते हैं वो दिया रहेगा। और ठीक उसी के पैरेलल पूछ देगा, अगर कुछ और आदमी रहे, इतने दिन काम करें, इतने घंटे काम करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन आएगा। तो हम देखेंगे ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के हैं और इनको लगाने का मेथड क्या है। ठीक, आप ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें दे रखा है, यदि पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई कार्य संपन्न करते, तो एन आदमी एन दिन में प्रतिदिन एन घंटे कार्य करके कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को लगाने का। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक बचपन में सुने होंगे या अभी भी सुनते हो, एक मसाला आता है, एमडीएच मसाले। एमडीएच मसाले, एमडीएच मसाले सुनते हैं, सुने होंगे न्यूज़ वगैरह पे या फिर टीवी वगैरह पे ऐसे दिखाई देता है। तो ठीक उसी को हमने उठा देना है। ठीक, और इसके बटे डब्लू लगा देना है। डब्लू का मतलब होता है वर्क यानी कार्य, एम का मतलब मैन, डी का मतलब डे, एच का मतलब घंटे, आवर्स। तो आप देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन में तो हम तो लगा लेंगे, ऐसे लिख लेंगे M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो M1 की जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे P आदमी है, यानी M1 की जगह P रखेंगे। M2 की जगह D1 की जगह क्या रखेंगे, कितने दिन काम किया P दिन, और H1 यानी कितने घंटे यानी P घंटे। ठीक, और कितने इकाई काम किया यानी ये वर्क बोल रहा है, यानी कितने इकाई काम किया पी वर्क इज इक्वल टू M2 कितना दिया है N आदमी, यानी N2 रख देंगे N, और D2 क्या होगा कितने दिन N दिन, और कितने घंटे काम कर रहे हैं N घंटे। ठीक, तो हम यहाँ पे N रख देंगे। पूछा क्या है कितने इकाई कार्य करते, यानी W2 पूछा है, यही हमें पता करना है। तो इसको हम लोग इक्वल टू के इधर उधर भेज कर ट्रांस ट्रांस वो करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, एक पी से एक पी गया। ठीक, इधर क्या बचा पी स्क्वायर, इधर क्या बचा N³ / W2। अब W2 को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहां से क्या होगा W2 ऊपर जाएगा और N³ / P² ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कुछ करना नहीं है दोस्तों, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है समय और कार्य का। पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे काम करते हैं, और कितने इकाई काम कर रहे हैं पी इकाई, यानी M1 D1 H1 दे रखा है और W1 दे रखा है। और बाद में क्या पूछा है, तो एन आदमी एन दिन में प्रतिदिन एन घंटे काम करके कितने इकाई काम करेंगे ये पूछा है, यानी W2 पूछा है। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे, इस फॉर्मेट पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका देखोगे आप आंसर तुरंत आ जाता है। आपको सिर्फ ये याद करना है MDH मसाले, बाकी W आएगा उसको आप नीचे लगा देंगे, कुछ और आएगा उसको नीचे लगा देंगे, कोई मतलब नहीं। बस आप एक कॉन्सेप्ट याद करें, MDH। ठीक दोस्तों, ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में तैयार करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो इसमें आप एक चीज देखिए, हमने क्या बताया था आपको, क्या याद रखना है MDH मसाले का फार्मूला। ठीक, MDH मसाले याद कर लीजिए आप। अगर W आता कार्य की जिक्र होती है तो आप बटे में W लगा दीजिएगा,
अदरवाइज आपको सिर्फ MDS मसाले ये याद रखना है। अब यहाँ देखिए M1 कितना है, यानी कितने कुल कितने आदमी हैं, अनु अकेले है, यानी M1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। और क्या पूछा, H1 कितना हो गया, 8 घंटे, 8 घंटे हो गया। कितने दिनों पूरा करते हैं, यानी ये क्या है, D1 हो गया, 18 दिन। आपको ये जो गिवन दिया होता है ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आप सीधे वैल्यू रखिए, M1 की वैल्यू, H1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू। इधर क्या होगा, MDH में इधर दे रखा है, यानी अनु खुद रहेगी, यानी M2 खुद रहेगा, 1 ही रहेगा। और D क्या है, D दे दिया 12 दिन। पूछा क्या है कि अनु प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, यानी कितने घंटे, बोले तो आपका H2 पूछ दिया है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप H2 निकालेंगे तो ये दोनों पोर्शन इधर आ जाएगा बटे में, यानी 1 × 8 × 18 / 1 × 12। इसको कट पेस्ट करेंगे हम तो कितना आएगा आंसर, देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3 × 6 = 18, यानी 12 घंटे आएंगे आंसर, 12 घंटे आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों उसी फॉर्मेट पे है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। तो आपको बस हमने क्या बताया, सिर्फ आपको वही फॉर्मेट याद रखना, वही मसाला का नाम याद रखना है, MDH, ठीक। अब देखिए M1 कितना है, यानी 30, D कितना है, 18 दिन में, यानी यहाँ पे 18 लिख देंगे आप गुड़े। H कितना है, कितने दिन काम कर रहे हैं, नहीं दिया है, इसका मतलब H की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है हमें। = यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए, यानी पहले 30 थे, अब क्या हो गया, 30 + 6 यानी 36 हो गया, तो काम कितने दिनों में सुधर जाएगा, यानी D2 पूछ दिया है। जब H इधर नहीं दिया है तो इधर भी मतलब नहीं दिया है, उसका कोई यूज ही नहीं है, जो दिया रहेगा MDH / W फार्मूले से आप उसी को रखेंगे, अदरवाइज बाकी को हटा देंगे, ठीक। यानी ये फार्मूला क्या बन गया, MD, इधर भी क्या हो गया MD, यही दिया है, H का वैल्यू ही नहीं, H का मतलब ही नहीं है यहाँ पे कुछ रखने का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखेंगे 30 × 18 = 36 D2, ठीक। अब यहाँ से हम D2 जब निकालेंगे तो देखेंगे 30 से 30 कट जा रहा है, सॉरी 36 है, यानी 30 × 18 / 36 हो जाएगा। अब देखिए 18 × 2 = 36 और 2 से 30 काटेंगे यानी 15, यानी D2 = 15 days, आंसर हो गया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, MDH वाले फार्मूले को लिख लेना है ऐसे। अब दोनों साइड आपका जो दिया रहेगा उसको लिखते चलना है, बाकी को नहीं लिखना है। M दे दिया है रख देंगे, D दे दिया है ठीक है, पहले वाला कंडीशन था कि H कहीं दिया नहीं है तो H का यूज ही नहीं, यानी M1 D1 = M2 D2 से ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ऐसे है, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य 17 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, यानी M1 यहाँ क्या दे दिया है, 18 एक कार्य, यानी W क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक। वैसे W के बारे में पूछा नहीं है, पूछ दिया दिन तो W का कोई रखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेम कार्य है तो इधर रखेंगे W, इधर रखेंगे W तो कट जाएगा, जब काम सेम ही है तो कट ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे M1 क्या है, 18 लड़के, कुल कितने दिन काम कर रहे हैं, 24 दिन, यानी D1 कितना है, 24 = अब यहाँ बोला है क्या, वही कार्य, यानी सेम वही कार्य
27 लड़के अगर करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। डी टू पूछ दिया है तो सिंपल है, यहाँ से डी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 × 24 बटा 27, यही तो हुआ। अब ये आप कट करेंगे, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 3 × 8 = 24, यानी 2 × 8 एंड डी टू इक्वल टू 16 डेज। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, 16 दिनों में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन ऐसे है, यदि एक्स व्यक्ति एक कार्य एक्स दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को वाई व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए M1 के जगह पे क्या है, एक्स, और एक कार्य वही कार्य सेम कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, एक्स दिनों में। ठीक, यहाँ पे घंटे का कोई जिक्र नहीं है इसलिए घंटा नहीं रहे, इज इक्वल टू। अब देखिए उसी कार्य को वाई व्यक्ति यानी M2 की जगह क्या दे दिया, वाई दे दिया है, और पूछा है D2 यानी कितने दिनों में कर पाएंगे। D2 पूछा है तो D2 निकालने सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर उधर कर देंगे और क्या, इक्वल टू के जो इधर है उसको बट्टे में यहाँ ला देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, x × x / y यानी x²/y, यही तो आंसर हुआ आपका, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ी अच्छी है, आप थोड़ा हल्का सा एफर्ट लगाएंगे हो जाएगा। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, तो उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। नहीं ये भी सिंपल ही है, पहले क्वेश्चन के जैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट में ना जाइए आप, क्या दिया है क्या नहीं, बस आपको इनपुट देखना है क्या उसमें दे रखा है डिजिट, उसको आपको लेना है। बाकी आपको पता ही है MDS मसाले का फॉर्मूला। आप रखिए यहाँ पे एक किसान यानी M1 कितना है, एक, कितने घंटे काम कर रहा है और कितने दिन। ठीक, यानी 18 दिन, यह क्या है D2 हो गया, D1 हो गया, H1 कितना है 6 घंटे, एज इक्वल टू वही कार्य उसी को यानी M2 कितना है वही सेम रहेगा, कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, और कितने घंटे वो रोज करेगा ये पूछा है, यानी पूछ दिया आपका H2। अब H2 निकालने के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट, इक्वल टू किधर ले जाइए आप, तो H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 × 18 × 6/1 × 12। देखिए दोस्तों मैं यही समझा रहा था, अगर दोनों तरफ कोई नंबर सेम है तो उसे रखने का कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसे ही कट जाएगा। अगर सेम कार्य है तो वो भी WW रखा जाएगा तो वो भी कट जाएगा, सेम दिन है तो भी कट जाएगा, सेम घंटे है वो भी कट जाएगा, सेम मैन है वो भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एक किसान है और दूसरे का कंडीशन में तो वही कर रहा है यानी M2 भी वही है, यानी 1 1 तो ऐसे ही कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए बस हमने लिख दिया है। और बाकी ये देखिए कैसे करते हैं, 6 × 12 × 2 = 18 यानी H2 इक्वल टू 9 घंटे। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन ऐसे है, कुछ व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझने लायक है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अपने चलना है, M1 D1 H1 / W1 = M2 D2 H2 / W2, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, M1 कितना दिया है, M1 दिया है क्या है, यानी एक कुछ व्यक्ति, यानी हमें पता नहीं है M1 कितना है, तो उसको हम लोग सिंपल M1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपल M1 लिख लेंगे, यानी कितने व्यक्ति है, M1 व्यक्ति, क्योंकि कुछ पता नहीं है, लिखा है कुछ व्यक्ति × D1 कितने दिनों में, 12 दिनों में, कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। ठीक, तो यानी यहाँ 12 लिख देंगे, और कितने घंटे कर रहा है, घंटे का कोई जिक्र नहीं है, तो
तो रखने का कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू एम टू कितना है। अब देखिए यही समझने लायक है आपका, एम टू दे रखा है यहाँ पे, उनसे दो गुड़ा यानी एम जो है एम वन है इनका जस्ट डबल लोग है, यानी टू एम वन, ठीक, टू एम वन जितना पहले थे जस्ट उनका डबल, यानी एम टू जो क्या हो जाएगा टू एम वन। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं यही पूछा है हमसे, यही पूछा है ना, यानी डे टू रख देंगे यहाँ पे। अब देखो दोस्तों एक चीज आपको समझना यहाँ पे है, यहाँ पे कार्य का जिक्र कर दिया इसने, ठीक, ये तो एम वन डी वन एच वन वाले फार्म एम डी एच फार्मेसर में बना लिया। अब देखो इसने बोल दिया कि आधे काम को, यानी यहाँ पे काम को रखना पड़ेगा आपको। पहले वाले में काम अगर मान लेते हैं इसने डब्लू किया या डब्लू वन किया, जो भी आप मान लें, तो जस्ट इसका आधा आपने देखा है इसमें लिखा है, उसका आधा काम, आधे काम को उसके डबल लोग कितने दिनों में कर सकते हैं, यही ने पूछा है, यानी डब्लू वन बटा दो, ठीक, समझ गए। कुछ व्यक्ति 12 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, ठीक, उन्हीं के जस्ट डबल दो गुणा व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में कर पाएंगे, यही पूछा है। अब यहां से हम निकालेंगे डी टू निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बाकी को इधर उधर कर देंगे इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हम इक्वल टू के इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इक्वल टू के दोनों साइड, तो आप पाएंगे देखो आप डबल वन कट जाएगा, एम वन कट जाएगा, नीचे बचेगा 4, ऊपर बचेगा 12, यानी टोटल कटने के बाद क्या आएगा 3 4 3 12, यानी कितने दिन लग रहे हैं टोटल 3 दिन लग रहा है, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल। दोस्तों ये सवाल भी वैसा ही है, बस थोड़ी बहुत अंतर मिलेगी आपको, बाकी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, सीपीयूएसआई में आए हुए क्वेश्चन है, या फिर यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है, 10+2 में आए हुए क्वेश्चन है, सारे देखो आप सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में सेम ही होते हैं, हर चैप्टर के सेम ही होते हैं, एक ही फॉर्मेट पे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि सीपीओ का पेपर एसआई में नहीं आएगा, सीपीओ एसआई पेपर यूपीएसआई में नहीं आएगा, या यूपीएसआई पेपर रेलवे में नहीं आएगा। अगर चैप्टर सेम है तो टॉपिक भी सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम बनेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन में देखिए क्या है, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। आपको वही फॉर्मेट अपनाना है, जो भी डेटा दिया आपको उसको लिखते जाइए, एम वन डी वन एच वन अपन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपन डब्ल्यू टू के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, 80 व्यक्ति है, 80 व्यक्ति यानी एम वन जगह 80 हो गया और डी टू जगह क्या हो गया 16 दिन, ठीक, और एच वन की जगह क्या हो गया 6 घंटे। ये तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड का बात हो गया एलएचएस का। अब देखिए आरएचएस क्या होगा, इज इक्वल टू एम टू कितना है, यानी 64 व्यक्ति, 64 व्यक्ति अगर वही कार्य करें, 64 व्यक्ति अगर वही कार्य करें तो डी टू कितना आ रहा है 15 दिन, तो कार्य कितने घंटे रोज करेगा तो पूरा हो जाएगा, यानी एस टू पूछ दिया आपका, कुछ नहीं करना है। फिर आपको वही करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी एस टू इक्वल्स टू 80 × 16 × 6 / 64 × 15, ठीक। कट पेस्ट करेंगे आप, जो भी कट पिट करेंगे आपका आंसर वही आएगा, बहुत आपको सोचना नहीं है यार, बस सिंपल है, ये ऑनलाइन मेथड है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। अब देखिए 16 × 4 = 64, 20 बार में क्या। अब देखो यार 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 20, 3 × 2 = 6, यानी एस टू इक्वल्स टू 4 × 2 = 8, 8 घंटे लगेगा, कुछ नहीं है।
आपको देखो कैलकुलेशन कितना तेज आप कर लेते हो आपका इसी पे ये बेस्ड है। ठीक, बाकी समय और कार्य कुछ नहीं है, हलवा है बस हलवा। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। ये 9th क्वेश्चन है, इसमें दे रखा कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते, प्रारंभ में कितने पुरुष थे। कुछ नहीं है, आपको जरा सा भी डरना नहीं है कि कुछ पुरुष बढ़ गए या कुछ दिन कम लग रहे हैं, 8 पुरुष ज्यादा लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बस आपको उसी फॉर्मेट में चलते रहना है, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन, बस आप पेन उठाइए हो जाएगा। देखिए कुछ पुरुष यानी मान लेते हैं एम दे रखा है, कुछ पुरुष मतलब एम, हमको पता ही नहीं कितने लोग, तो एम रख देंगे, एम यानी मैन, कितने दिन में कर रहे हैं 60 डेज में। घंटे का यहाँ पे कोई कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए घंटा को हमें रखना ही है। ठीक, कितने दिन में, 60 दिन में हो गया। अब RHS में अगर हम आते हैं राइट हैंड साइड में, तो इसमें दे रखा है यदि 8 पुरुष और होते, यानी अगर शुरू में एम थे, एम लोग, एम पुरुष थे, तो कितने और जुड़ गए, 8, यानी एम प्लस 8 इंटू इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते हैं, यानी शुरू में कितने लगे थे 60, तो अब कितने लगेंगे, 60 माइनस 10 यानी 50, ये तो लगेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एम प्लस 8 इंटू 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यही तो बनना था। अब यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं, ये एम 60 इज इक्वल टू एम 50 प्लस 400, कुछ नहीं है। अब देखिए इसको इधर लेके जाइए, एम 60 रखिए या 60 एम रखिए, बात वही होगा, बस आपका लिखने से मतलब नहीं, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एम 60 माइनस एम 50 इज इक्वल टू 400, यानी एम 10 आएगा बराबर 400, यानी एम बराबर क्या आएगा 10 इधर आ जाएगा, यानी 400 बाई 10 कट के 40 आ जाएगा। ये क्या होगा, शुरू में आपके इतने ही लोग थे, एम पूछा है, एम शुरू का है, यही अगर पूछ देता कि बाद में कितने लोग थे, यानी बाद में कितने आ गए थे, एम प्लस 8 यानी 40 प्लस 8 यानी हो जाता 48, अगर क्वेश्चन में दे देता बाद। ठीक, लेकिन यहाँ उसने प्रारंभ में पूछा है तो एम की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम उसी के जैसे है जैसा इसके पहले वाला हमने लगा रखे हैं, 9th क्वेश्चन के जैसे ये सेम है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, तो प्रारंभ कितने व्यक्ति थे। कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। देखिए कुछ व्यक्ति यानी एम मान लो आप, शुरू में कुछ व्यक्ति जो है एम मान लो, इंटू कितने दिनों में कर रहे हैं 55 दिनों में। ठीक, अब RHS में आते हैं, 6 व्यक्ति और हो यानी शुरू में अगर m है तो बाद में कितने हो जाएंगे, m प्लस 6 इंटू कितने दिन कम लग रहे 11, यानी 55 से 11 आप घटाएंगे तो कितने आ जाएगा, 44 तो आएगा, 44 ही तो आएगा, यानी 55 शुरू में थे उसमें से 11 घटा लेंगे 44 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, कुछ नहीं, फिर इसको आप तोड़ दो ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, एम 55 इज इक्वल्स टू 44 एम 44 प्लस 264 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, एम 11 बचेगा इक्वल टू 264। अब यहाँ से एम की वैल्यू निकालना आसान है, 264 बाई 11 कर दो आप, 11 दोनों 22, 4 बचा 11 चौक 44, यानी एम बराबर 24, यानी शुरुआत में 24 लोग थे, यही बोल देता कि बाद में कितने लोग थे, तो इसी में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो बात का आ जाएगा, यानी 30 लोग। तो दोस्तों आप शेयर और लाइक करिए हमारे चैनल को, मैं एकदम जेन्युइन मेथड पढ़ाऊंगा, जो भी कोई वो नहीं है यार कि मतलब ये हो गया वो हो गया, सिंपल ट्रिक बताएंगे, कुछ नहीं करना आपको, करते जाना है, कोई पेड कोर्स नहीं पकड़ना आपको किसी कोचिंग का, सब हालांकि सब पढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा।
यार मैं देखो कुछ दिन पहले अपना ये चैनल स्टार्ट किया हूँ, ठीक। तो मैं खुद भी एक टीचर भी हूँ और साथ साथ मैं पहले जॉब करता था, छोड़ दिया। उसके बाद मैं तैयारी कराने लगा बच्चों को। तो हमने सोचा इस समय यार क्यों ना, फॉर्म आया 3-4 साल बाद बच्चों का SI का, क्यों नहीं अच्छे से विधिवत तैयारी कराया जाए। तो बस यही है, आप साथ दीजिए, मैं वादा करता हूँ सारे जो भी टॉपिक हैं सारे सब्जेक्ट मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।